गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो आज हम जा रहे हैं TCS हिंजेवाड़ी, जो कि है अपना करंट ऑफिस। आज का दिन खास इसलिए होने वाला है क्योंकि आज है मेरा TCS का आखिरी दिन। तो रास्ते में सारी बातें करेंगे, कैसे सफ़र की शुरुआत हुई, क्या क्या एक्सपीरियंस रहे, कैसे कैसे फॉर्मेलिटीज़ हैं। तो एक TCS के लिए सारी मैं एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ। अगर आपको अपडेटेड रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसमें हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे कि TCS के वर्क कल्चर कैसा है, उसमें नोटिस पीरियड कैसे रहता है, क्या काम रहता है, कौन से एडवांटेजेस है, कौन से डिसएडवांटेजेस है जो हमें ध्यान रखने वाले ज्वाइनिंग TCS। तो इफ़ यू आर अ फ्रेशर एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन TCS, तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो मिल पाए। चलते अपने TCS हिंजेवाड़ी की तरफ। मैं रहता हूँ लोहेगांव में, जो कि TCS हिंजेवाड़ी से लगभग 36-37 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स है। अगर मैं टू व्हीलर से ट्रैवल करता हूँ तो इट टेक्स मी अराउंड 1 आवर, और अगर मैं फोर व्हीलर से ट्रैवल करता हूँ तो इट टेक्स मी अराउंड 1.5 आवर्स। अब तक जब तक TCS का वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी था, इट वॉज वेरी कन्वीनियंट फॉर मी। आराम से जाओ, घर से काम करो। 2 दिन ऑफिस जाना पड़ता था, 3 दिन ऑफिस जाना पड़ता था, पर जब से ये 5 डेज वर्क फ्रॉम ऑफिस और जब से ये फैक्टर ऐड किया गया है कि आपका जो वेरिएबल पे है उसको वर्क फ्रॉम ऑफिस से इन्होंने लिंक कर दिया है, तो इट हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी कि मैं TCS में जो है आगे कंटिन्यू कर पाऊँ। मीनवाइल ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैंने सोचा कि 2 साल के टाइम स्पैन के बाद कि चलो अभी एक राइट समय है स्विच करने का। सही मैंने सुना था कि सही समय पर ना, सही जगह पे ना होने से ना गिले शिकवे होने लगते हैं। हो सकता है डायलॉग गलत हो, पर आप संभाल लेना थोड़ा। सही समय पे सही, ठीक है जान दो, छोड़ो क्या डायलॉग में रखा है, भावनाओं को समझो। अरे ये देखो क्या रास्ता बनाया है अजिंक्य डी वाई पाटिल ने, दोनों तरफ से पेड़। इतनी ठंडक है इस रास्ते पे, ऐसे लगता है कि यहीं पर बैठ जाओ। वैसे प्राइवेट रोड है, बट दे हैव अलाउड द पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू पास थ्रू दिस रोड। एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि आप आगे आप देख रहे हो ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, तो ये बिल्डिंग है अजिंक्य डी वाई पाटिल की। मात्र 200-300 मीटर्स डिस्टेंस है इसका मेरे घर से। हर बार ऑफिस जाते समय मुझे बिल्डिंग दिखती है और हर बार मैं सोचता हूँ कि यार वो भी क्या दिन थे। जब भी मैं किसी कॉलेज के बच्चों के ग्रुप को यहाँ पे देखता हूँ तो याद आता है अपने कॉलेज का टाइम, क्या दिन थे वो भी। ये रहा अपना अजिंक्य डी वाई पाटिल, अजिंक्य डी वाई पाटिल यूनिवर्सिटी। चलो भाई, और ये इधर ही साइड में पहाड़ियाँ, मस्त व्यू उसके साथ। सामने जो आप बिल्डिंग देख पा रहे हो ये है प्राइड वर्ल्ड सिटी की। तो ये कॉलेज के बच्चे जब भी परेशान होते हैं, जब भी अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ कहीं चिल मारना चाहते हैं तो इस पहाड़ी पर आ जाते हैं। पहाड़ी मस्त है, अभी थोड़ा धूप की वजह से ये इतना आपको अट्रैक्टिव नहीं लग रहा होगा, पर मस्त चीज़ है ये। ये देखो प्राइड वर्ल्ड सिटी, जब बरसात होती है ना तो ये पूरा हरा भरा एरिया काफ़ी अच्छा ऐसा लगता है, टूरिस्ट पॉइंट है। चौरोली में आपका स्वागत है। ये देखो भाई धनाधन कंस्ट्रक्शन, फुल ऑन स्पीड से जो है डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छा है। और जो फ्लैट्स की कीमत है स्काई रॉकेट। मेरे जैसे सैलरी में अगर आप यहाँ पे फ्लैट लेना चाहते हो, जन्म बीत जाएंगे 2-4, स्विच करो फटाफट, बढ़िया से पढ़ाई करो, बढ़िया से जॉब करो। हिंजेवाड़ी में ये जो आप ऊपर ब्रिज देख रहे हो ये मेट्रो है। पिछले 1000 सालों से मेट्रो का काम चालू है, पता नहीं कब कंप्लीट होगा, गॉड नोस। तो गाइस आ गए हम अपने कर्तव्य स्थान पे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। थोड़ा एंग्शियस तो हो रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक बार अगर मैं आईडी कार्ड दिखा के गेट के अंदर चला गया तो इसके बाद ज़िंदगी में मुझे कभी भी गेट के अंदर दोबारा से एंट्री नहीं मिलने वाली है। TCS की रिहायरिंग पॉलिसी तो आपको मालूम ही होगी। थोड़ा भारी भारी महसूस हो रहा है, बट वी आर गुड टू गो।
एक बार डिसीजन ले लिया है तो अभी पीछे नहीं हटेंगे। दिखाता हूँ मैं आपको आगे। मुश्किल होता है यार, आपकी पहली कंपनी हो और छोड़नी पड़ी हो तो थोड़ा दुख तो होता है, बट जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो गाइस, ये रहा वो गेट जहाँ से इट्स नॉट अलाउड टू टर्न बैक। फाइनल एंट्री अपनी गेट के अंदर होते हुए, इसके बाद तो अलाउड नहीं होगा यार कभी आना। लाइफ की आखिरी एंट्री TCS में। यार पता नहीं क्यों मुझे ऐसा अजीब सा लग रहा है। जब काम पे था तब लगता था यार बहुत काम है, बहुत वर्कलोड है, मन नहीं करता था ऑफिस आने का। अब जा रहा हूँ, आखिरी दिन है, तो एक अजीब सी बेचैनी है मन में। ये रहा अपना पार्किंग। पार्किंग में जाते हुए हम बहुत ही बढ़िया से, यार मस्त दिन थे वो भी, कैसे बताऊँ मैं, शब्द नहीं है मेरे पास कहने को। गाड़ी पार्क करते हैं, खड़ी कर दी हमने पार्किंग में। अब चलते हैं ऊपर और सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करते हैं। ऊपर सारी चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती है जो कि नहीं दिखा सकते। ये रहा अपना गेट जहाँ से हम अपना बैगेज चेक इन करना है, तो स्कैनर के थ्रू जाता है और फिर आईडी कार्ड लगा के पंच इन करते हैं आगे वन लास्ट टाइम। ये रही अपनी ओबीसी में जाने का रास्ता, दरवाजे के अंदर दरवाजा, यहाँ पे हमने अपना कार्ड लगाया और अंदर बस हम आ गए अभी अपने कैबिन में। अपना कैबिन मतलब कि कैबिन में से किसी को है नहीं, कॉमन एरिया, अगर किसी की कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो वो यहाँ पे आके बैठ के कर सकते हैं। पर बाहर देखो, अगर आपको दिख रहा हो तो लोग बैठ के अपना अपना काम कर रहे हैं। हमने भी अपना लैपटॉप चालू कर दिया है एंड दैट ऑल्सो वन लास्ट टाइम। इधर बैठने का कारण ये है कि मैं नहीं चाहता किसी और को डिस्टर्ब हो जाए। अच्छा लग रहा है इसी में ठंडा ठंडा। अपना लैपटॉप हो गया चालू, कुछ रिमेनिंग फॉर्मेलिटीज़ हैं जो कि हम कंप्लीट करेंगे। लैपटॉप जमा करेंगे, अपना आईडी जमा करेंगे, और आईडी जमा करने से पहले एक बार लास्ट टाइम एक बार लास्ट टाइम कंपनी की कैंटीन से एक थाली मंगाएंगे, बढ़िया से खाएंगे, और उसके बाद अपने ज़िंदगी के इस हसीन सफ़र को, इस मोड को आगे बढ़ेंगे, इसको पीछे छोड़ के एक नया पत्ता, एक नया चैप्टर अपने ज़िंदगी का चालू करेंगे। तो लैपटॉप हो गया चालू, डालता हूँ आईडी पासवर्ड, लॉगिन करता हूँ, वन लास्ट गुड बाय मेल डालता हूँ, सारी टीम्स को थैंक्स कहता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। चलो आ गया वो समय। शटिंग डाउन वन चैप्टर ऑफ माय लाइफ। लैपटॉप बंद, वन लास्ट टाइम लैपटॉप सबमिट करते हैं, बाकी भी कुछ फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट करते हैं। और क्या बोलूँ मैं, मुझे समझ नहीं रहा है, काफ़ी इमोशनल सा फील हो रहा है, एक अलग सा अटैचमेंट हो चुका था TCS के साथ। वो कहते हैं ना कि जब आपके पास कोई चीज़ होती है तो आपको उसकी वैल्यू नहीं होती। जब स्कूल में थे तब कॉलेज में जाना चाहते थे, जब कौलेज में थे तब बड़ी बड़ी कांच की चकाचौंध IT कंपनीज देख के लगता था कि इन कंपनीज में एक बार चले जाए फिर पता लगेगा। जब स्कूल छूटा कॉलेज में आए तो कॉलेज की वैल्यू इतनी पता नहीं थी, तब स्कूल की वैल्यू ज़्यादा लगती थी। जब कॉलेज में गए तब स्कूल की वैल्यू पता लगी, जब कॉलेज में थे तब कॉलेज का इतना कुछ नहीं लगता था, ऐसा लगता था जॉब लग जाए, जब जॉब लगी तब पता लगा कि यार कॉलेज की लाइफ बेस्ट थी। उसी प्रकार मुझे फील हो रहा है, अभी मैं TCS छोड़ रहा हूँ तो मुझे लग रहा है यार TCS बेस्ट है, और TCS सच्ची में बेस्ट है। इसके वीडियोज़ आगे बनाएंगे, इसके बारे में इन डिटेल बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए बाकी की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करते हैं।
ये रही हमारी कैंटीन जिसका नाम है झुमका। इसमें बैठ के खाना वाना खाते हैं बढ़िया से। हरा भरा कैंपस चालू कर देता हूँ। एवरीथिंग सॉर्टेड, लेट्स गो आउट। चलो बाहर बढ़िया से। अच्छा सा व्यू यहाँ पे, टीसीएस के सामने ही है बिल्डिंग। बाहर जाते समय एक आखिरी बार प्लेयर, क्या बड़बड़ा रहा हूँ मुझे नहीं समझ आता। लेट्स से गुड बाय। और ये है, आप देख पा रहे होंगे, मेन गेट का एग्जिट। लेट्स मूव आउट। कहते हैं अलविदा। ओ मैडम, यहाँ कहाँ से जा रही हो, हम कहाँ से जाएंगे। ये रहा पीछे मुड़ के देख लेते, बताओ। हम आ गए और यहाँ पे भी मेट्रो का काम चालू। और भाई एक गाना था रील्स पे जो बहुत फेमस है, बार बार मेरे कानों में वो बज रहा था, मैनु विदा करो वाला। पर कोई था ही नहीं विदा करने को। चलो कोई नहीं। अच्छे से नज़ारे यहाँ पे, आगे देख रहे हो आप एक टेक महिंद्रा का ऑफिस, यहाँ पे एक नया टीसीएस का बनता हुआ ऑफिस। पर अपने को क्या ही लेना देना है, हम तो पंछी है भाई, उड़ चले यहाँ से। ये देखो टीसीएस का नया ऑफिस, अब तक चालू नहीं हुआ, ये होगा बढ़िया से, भीड़ इधर हो जाएगी। और मेट्रो का काम पूरा पुणे में चालू है। तो अभी सफ़र शुरू है अपने घर पे रिटर्न जाने का, काफ़ी लंबा सफ़र रहने वाला है। फिर वही 1-2 हज़ार साल लग जाएंगे ये ट्रैफिक को चीरते हुए जाने के लिए। तो बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करो अगर पहले बार आए हो, वीडियो को लाइक करो अगर वीडियो पसंद आया हो, एंड स्टे ट्यून्ड क्योंकि आगे बहुत से ऐसी कंटेंट आएंगे टीसीएस पे कि रेजिग्नेशन प्रोसेस कैसा है, प्रोजेक्ट कैसे एलोकेट होते हैं, अगर आप किसी प्रोजेक्ट में गलती से फंस गए हो तो हाउ टू गेट रिलीज फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट, रिज़ाइन करने के बाद का आगे का प्रोसेस क्या रहता है, बीइंग अ फ्रेशर आपको टीसीएस ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, ऐसे सारे सवालों के जवाब जो है हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, एंजॉय।